नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अदालतों में रजिस्ट्री की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में रजिस्ट्रार अगर कोई गड़बड़ी करे, रजिस्ट्री में खेल होने लगे तो क्या करेंगे? और ऐसे खेल हो रहे हैं, तभी तो कई सीनियर एडवोकेट अदालतों में जजों के सामने रजिस्ट्री की शिकायत लेकर चले जाते हैं। हाल ही में हमने आपको रजिस्ट्री के एक खेल को बताने की कोशिश की थी, जिसमें सेबी और अडानी के खिलाफ मामला जब लिस्ट करवाने के लिए याचिका लगाई गई, तो रजिस्ट्री ने खुद से ही उस केस को लिस्ट करने से इनकार कर दिया। किसी चीफ जस्टिस की कोई जरूरत ही उसे नहीं मालूम पड़ी। लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद रजिस्ट्री के हाथ पांव फूलने लगे हैं। एक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है जो रजिस्ट्री को अल्टीमेटम देते हुए है, परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दी गई है। तो दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत ने एक रजिस्ट्रार को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। यह दोनों रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है और आपको जानना भी चाहिए कि रजिस्ट्रार किस हद तक करप्शन में भी लिप्त हो जाते हैं। खबर मिली कि जज बनाने के एवज में करोड़ों की डील करते थे रजिस्ट्रार साहब, कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब, जिनके ऊपर रिक्रूटमेंट की बड़ी जिम्मेदारी भी थी। और जब पकड़े गए तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जहां की यह घटना थी, जहां यह मामला बना था हरियाणा में, उसे उठाकर सीधे दिल्ली की कोर्ट में शिफ्ट किया गया था। और फाइनली इस मामले में फैसला आ गया। जज बनाने का खेल उन पर काफी भारी पड़ा है। तो चलिए दोनों रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। पहले हरियाणा जज पेपर लीक मामले पर बात करते हैं, तो दूसरी तरफ फिर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने किस कदर रजिस्ट्री को अल्टीमेटम दे दिया है। यहां एक रिपोर्ट है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि हरियाणा में जज पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार बलविंदर शर्मा के साथ उनकी महिला मित्र सुनीता को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है। अब यह सजा वो भुगतेंगे और अदालत जैसी पाक जो सिस्टम है, पवित्र सिस्टम है, उसमें इस तरीके से सड़ांध मचाने वाले को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी जल्द मिलनी चाहिए। या तो मामला कुछ पुराना हो रखा था। कहा जा रहा है कि साथ ही अदालत ने पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ के कांग्रेस नेता सुनील चोपड़ा समेत 6 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं एक अन्य आरोपी महिला सुशीला को दोषी करार तो दिया गया, लेकिन उसकी सजा अंडरगोन कर दी गई है। यह केस काफी संवेदनशील भी था, क्योंकि जिनके ऊपर न्याय देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती, अब वही भ्रष्ट लोगों को बैठाने की तैयारी थी, जो पैसे के दम पर करोड़ों रुपए खर्च करके जज बन जाना चाहते थे। कहा जा रहा है कि यह मामला 2017 का है। 2017 में 107 जजों की भर्ती के पेपर लीक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने इतनी बड़ी सजा सुनाई है। खासकर ये वही अदालत है जो फिलहाल अरविंद केजरीवाल हो या अलग अलग बड़े बड़े नेता जो ईडी सीबीआई के चंगुल में फंसते हैं, उनका केस देखा जाता है और वहां किसी को राहत मिल जाए इसकी संभावना ही बहुत कम होती है। इसके बावजूद भी यहां कोर्ट के रजिस्ट्रार को अगर दोषी करार देकर 5 साल की सजा सुनाई गई है, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में बैठे उस जज की तारीफ तो होनी चाहिए। खैर, अब इस पूरे केस को भी समझ लीजिए कि कैसे इतना बड़ा खुलासा हुआ, कैसे रजिस्ट्रार तक बात पहुंची और कैसे जज बनाने का जो बहुत बड़ा गोरख धंधा था वो भी एक्सपोज हो गया। कहा जा रहा है, आरोप के मुताबिक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पंचकुला जिले की पिंजौर निवासी सुमन ने कहा था कि उसने HCS जुडिशियल के लिए आवेदन किया था,
परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन किया। इस दौरान उसकी दोस्ती सुशीला नामक लड़की से हो गई। उसने गलती से याची को एक ऐसी ऑडियो क्लिप भेज दी जिसमें वह अन्य लड़की से 1.5 करोड़ में नियुक्ति की बात कर रही थी। जोर देकर पूछने पर पेपर लीक होने की बात पता चली। सुशीला ने याचिकाकर्ता को 6 सवाल भी बताए जो परीक्षा में आए भी, और इसके बाद तो कमाल ही हो गया। यह मामला जो न्याय पसंद लोग जज में कैरियर बनाना चाहते हैं, जजशिप करना चाहते हैं, वो ऐसे भ्रष्टाचार को कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने शिकायत ऑनलाइन फॉरम पर डाल दी थी। कहा जा रहा है कि सुमन ने अपने पति को इसकी जानकारी दी और उसने मामले की शिकायत पुलिस और हाईकोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर दी। इसके बाद रजिस्ट्रार विजिलेंस ने मामले की प्रारंभिक जांच की थी। बाद में यह जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। धीरे धीरे राज खुलने लगे थे। कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार विजिलेंस ने रिपोर्ट में रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट डॉक्टर बलविंदर शर्मा और आरोपी सुनीता के बीच कनेक्शन का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 1 वर्ष के दौरान दोनों के बीच 730 बार फोन पर व एसएमएस से बात हुई। कमेटी की सिफारिश पर सामान्य वर्ग की टॉपर सुनीता, आरक्षित वर्ग की टॉपर सुशीला व रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट डॉक्टर बलविंदर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और फाइनली जब फैसला आया है तो कोर्ट का वह रजिस्ट्रार दोषी करार दिया गया है। यह मामला बहुत संगीन है और न्याय व्यवस्था पर एक दाग की तरह है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी की शिकायत खूब मिलती रहती है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जमकर क्लास लगाई है और अल्टीमेटम दे दिया है रजिस्ट्री को कि अगर आपके स्टाफ ने कोई धांधली करने की कोशिश की तो ध्यान रहे कि परिणाम भुगतना होगा। अब यह पूरी रिपोर्ट भी हम आपके सामने रख देते हैं क्योंकि प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने शिकायत की है कि कैसे रजिस्ट्री में सीनियर जजों से केस लेकर जूनियर जजों को सौंप दिया जाता है, जो कि नियमों का भी उल्लंघन है। इसके बावजूद वहां पर खेल होता दिखाई पड़ता है। देखिए एक रिपोर्ट है लाइव लॉ की, जहां पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सहायक अपना काम पूरी लगन से करें और चेतावनी दी कि अगर केस फाइल में कोई गलती दोबारा पाई गई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो क्या अब रजिस्ट्री के कान खड़े हो गए होंगे? सवाल बहुत बड़ा है। कहा यह भी गया कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के खंडपीठ ने ही पिछली तारीख पर यह टिप्पणी की थी कि एसएलपी की पेपर बुक में पिछले साल अगस्त का कोई पिछला आदेश नहीं था और केस फाइल में कार्यालय रिपोर्ट तक नहीं थी। कोर्ट ने रजिस्ट्री को इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाली आधिकारिक रिपोर्ट के अभाव पर भी प्रकाश डाला कि केस की समय सीमा समाप्त नहीं हुई। मामला वह भी इसलिए गंभीर था क्योंकि किसी याची को, जो याचिकाकर्ता हैं, उन्हें यह मौका दिया गया था कि वो अमुक तारीख तक अपने स्वास्थ्य कारणों से या फिर उम्र के तकाजे से छूट प्राप्त करेंगे, जमानत पर बाहर रहेंगे, लेकिन उस आदेश को संलग्न किया ही नहीं गया। रजिस्ट्री ने उसे ऐड ही नहीं किया, जिसके चलते वह व्यक्ति विवादों में फंसता चला गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जो लोक सेवक हैं, उसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13(2) के साथ धारा 13(1)(d) के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। अपीलीय अदालत ने सजा के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी। इस प्रकार उसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की। याचिकाकर्ता जो 70 वर्ष से अधिक उम्र का है और चिकित्सा स्थितियों का सामना कर रहा है, मुकदमे और अपील प्रक्रिया के दौरान जमानत पर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 28 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा उसे अगली तारीख तक आत्मसमर्पण करने से छूट दी थी। अगली तारीख 29 जुलाई 2024 पर सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि 28 अगस्त 2023 का आदेश एसएलपी पेपर बुक में संलग्न नहीं था, जिसके लिए रजिस्ट्री पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आखिर इस तरीके का फैसला क्यों लिया गया, कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। और जब वह छोटी गड़बड़ियों को अदालत पकड़ सकता है
तो फिर कोर्ट को यह भी तय करना पड़ेगा कि बड़े बड़े केसों में केस लिस्टिंग नहीं होने देना किस ओर इशारा करता है। क्या यहाँ पर भी रजिस्ट्री में कोई धांधली चल रही है, इस बात का खुलासा हो और ऐसे रजिस्ट्रार पर कार्रवाई हो, इसकी भी सख्त जरूरत है। तो इंतजार कीजिए कि कब इस मामले में रजिस्ट्री अब कटघरे में और भी ज्यादा खड़े होती है और वो बेनकाब हो पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।